ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन भार्गव इंडियन एकेडमी श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम संविधान निर्माण से संबंधित कुछ बातें पढ़ चुके हैं। जैसे पहले अध्याय में हमने पढ़ा था किस प्रकार संविधान निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। दूसरे अध्याय में मैंने आपको मीटिंग्स के बारे में अर्थात संविधान सभा की बैठकों के बारे में और भारत में उस समय रियासतों के एकीकरण में तीन जो महत्वपूर्ण रियासतें थी उनकी भूमिका बताई थी कि किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी इनको शामिल करने के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा था। आज मैं बात करूंगा संविधान निर्माण के जो तीसरा अंतिम चरण था, अर्थात जिसमें जो संविधान सभा के जो वाचन हुए थे और संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं संविधान का वाचन, वाचन अर्थात पढ़ा जाना, तो आपको बता देता हूं संविधान सभा के तीन वाचन हुए थे। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, लगभग 5 दिन का यह वाचन रहा था, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को। दूसरा, यदि हम बात करें 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। देखो, ये 17 अक्टूबर 1949 ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 17 अक्टूबर 1949 इसी दिन ही प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको स्वीकार किया गया था। आपको बता देता हूँ, सामान्यतः किताबों में बहुत कम ऐसी किताबें हैं जिसमें ये बात लिखी हुई है कि भारतीय संविधान, जो उस भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, उसके प्रारूप को कौन से किस दिन स्वीकार किया गया, 17 अक्टूबर 1949, अर्थात दूसरे वाचन के अंतिम दिन। और तीसरा वह अंतिम वाचन जो 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था। 14 नवंबर को क्या, कौन सा तारीख है भाई, 14 नवंबर कौन सा दिन है, किस रूप में मनाते हैं हम, बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, अब देखिए ये तारीख, इस तारीख को आपको याद रखना है, इस तारीख को नहीं भूलना है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण होता है। और इसी दिन अंतिम जो ये अपना वाचन था, इसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भाषण दिया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, अर्थात जैसा हमने संविधान बनाया वैसा ही हमने पास कर दिया। भाई, जो हमने बनाया वो आपके सामने आया, यही बात वो कहना चाह रहे थे। आपको ठीक है, अगर मारवाड़ी में समझ आती है तो वो कहना चाह रहे थे जो मैं संविधान बनायो वो थारा सामने आयो। भाई, अगर बात करते हैं मारवाड़ी में कि भाई जैसा हमने संविधान बनाया वैसा आपके सामने आया, अर्थात जिस प्रकार हमारे द्वारा संविधान बनाया गया वही उसी रूप में हमने उसको पास किया है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय दी असेंबली बी पास्ड। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को बताते हैं कि आपका संविधान पूर्ण हो गया। अब एक चीज आपको बता देता हूं, तीन शब्द यहां पर आपको ध्यान रखने होंगे, अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित और तीसरा शब्द होगा आत्मार्पित। ये तीन शब्द आप याद रखेंगे कि संविधान अंगीकृत, अधिनियमित या आत्मार्पित कब हुआ, 26 नवंबर 1949। देखो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि संविधान, भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया। अब स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं कि अंगीकृत का मतलब है लागू करना, लागू करना नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई जनरेट नहीं हुआ वो, यहाँ पर ये बात कर रहा है एडॉप्ट करने की उसको। भाई, एडॉप्ट जो बात शब्द आ रहा है, अंगीकृत शब्द जो है इंग्लिश में एडॉप्ट शब्द आता है, तो आप याद रखना कि अंगीकृत संविधान, भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949, या संविधान पूर्ण कब हुआ, 26 नवंबर 1949। आगे चल के 1950 में लागू हो गया, 2 महीने बाद कहते हैं 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। लेकिन आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से इसी दिन लागू हो गया था जिस दिन ये पूर्ण हुआ था, कि आपके भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 16 अनुच्छेद। अब देखना, कुछ स्टूडेंट्स को यहां भी एक प्रॉब्लम है कि सर 15 अनुच्छेद पढ़े हैं, 15 अनुच्छेद हैं। आपको बता देता हूं, 394 जो अनुच्छेद है वो संविधान लागू होने के बारे में उपबंध करता है, तो उसी में तो उपबंध लिखा हुआ है, इसीलिए उस अनुच्छेद को भी उसी दिन लागू किया गया था। तो अनुच्छेद बताते हैं, कुछ अनुच्छेद नागरिकता के थे, कुछ निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद थे, कुछ कहते हैं अस्थायी संसद या तदर्थ संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे, जैसे अनुच्छेद अपने बात करें 5, 6, 7, 8, 9, इसके अलावा बात करें अनुच्छेद 60,
अनुच्छेद 324 की बात करें, अनुच्छेद 366, 380, 388, 391, 92, 93, 94। अब अनुच्छेद 393 जो है, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 393, तो इसमें दिया हुआ है भारत, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर ये अप्लाइड क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त संक्षिप्त नाम क्या है। अब स्टूडेंट सोचेंगे ये संक्षिप्त क्या शब्द आ गया, मतलब छोटा नाम कौन सा है, तो भारतीय संविधान का नाम ही भारत का संविधान है। आप कहीं भी देख लीजिए, लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ओरिजिनल जो कॉपी है संविधान की, जो वर्तमान भारतीय संसद में जो रखी हुई है सुरक्षित हीलियम गैस में, वो भी उस पर भी भारत का संविधान ही लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप ध्यान रखेंगे संक्षिप्त नाम कौन से अनुच्छेद में, 393, और अनुच्छेद 394 इसे लागू होने के बारे में उपबंध करता है। तो आंशिक रूप से संविधान लागू होता है 26 नवंबर 1949 को, कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए इसी दिन, और जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950। पहला तथ्य दिमाग में आ रहा है कि जब संविधान 26 नवंबर को बन चुका था 1949 में, तो 2 माह का इंतजार क्यों किया। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान में अगर बात करें कांग्रेस के अधिवेशन की, तो 1929 जो कि दिसंबर में हुआ था, और ये 31 दिसंबर का दिन था जो मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे के बाद। अब आज के टाइम में तो क्या होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं 31 दिसंबर को मतलब मध्य रात्रि हुआ है कि घूमने फिरने में एंजॉय करने में, क्योंकि वो कहते हैं कि नया साल मनाना है। तो यहाँ पर नया साल कुछ इस तरह मनाया था इन्होंने कि 31 दिसंबर 1929 कहते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन या लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो मध्य रात्रि को है ना, 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि 12 बजे के बाद अगला दिन हो गया था। मध्य रात्रि को ये रावी नदी के तट पे इकट्ठे होते हैं और एक संकल्प लेते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी, 1928 में, 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी, और मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, हमें भारत को क्या चाहिए, अधिराज्य बनाना है, डोमिनियन बनाना है, और उन्होंने डोमिनियन की मांग को माना नहीं। तो वो कहते हैं अब डोमिनियन को तो जाने ही दो, आप डोमिनियन तो बनाना ही नहीं है, अब तो बात है पूर्ण स्वतंत्रता की, अब तो आज से हम भारत को क्या मानते हैं, पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं, पूर्ण स्वराज्य मानते हैं भारत में। ये कसम खाई थी इन्होंने लाहौर अधिवेशन में, और इन्होंने कहा था उसी मध्य रात्रि 1 जनवरी की तारीख हो गई थी कि आने वाला इसी महीने की कौन सी तारीख, 26 जनवरी 1930 को हम सभी कसम खाते हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 17 सालों तक इन्होंने 26 जनवरी 1930 को क्या बनाया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। वो तो विभाजन एक अचानक होने वाली घटना थी कि जब माउंटबेटन ने अपना वो प्रस्ताव दिया था, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947, जो 18 जुलाई 1947 को पेश किया गया, उसमें उसके हिसाब से इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हो गया, यानी भारत स्वतंत्र हो गया था, 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, 15 अगस्त को भारत बन गया था, ठीक है। लेकिन ये जो बात थी 26 जनवरी की, हमेशा से जो युवा जो थे जिनके भारत हमेशा से दिलों में बसता था, वो ये चाहते थे कि हमने 17 साल तक 26 जनवरी को क्या मनाया है, स्वतंत्रता दिवस, तो इसीलिए 26 जनवरी ही हमारा आगे चल के स्वतंत्रता दिवस बने, जो बन नहीं पाया था। अब इस तारीख को कोई वैल्यू देनी थी, इस तारीख का मूल्य था, महत्व था, क्योंकि 17 साल से हम भारत का जो इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है वो किसे मना रहे थे, 26 जनवरी को। इसीलिए हमने 2 महीने इंतजार किया, और 26 जनवरी को भारतीय संविधान क्या किया गया, लागू किया गया। इसीलिए कहते हैं रिपब्लिक डे जो है हमारा क्या है, 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, लेकिन इससे पहले के 2 दिन, अगर हम बात करें 24 जनवरी 1950, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही अच्छा दिन था, आप कह सकते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक। 2 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। संविधान सभा की पहली बैठक मैंने आपको बताया था पिछले अध्याय में, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ये आप कह सकते हैं अंतिम दिन या अंतिम बैठक। अब देखो अगर हम बात अंतिम बैठक की कहें ना, तो इसको मिला के 12 अधिवेशन होते हैं, वैसे संविधान सभा के 11 अधिवेशन थे, पर इसको मिला के कितने होते हैं, 12 अधिवेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अंतिम दिन या अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 होती है। इस दिन 3 काम किए जाते हैं। नंबर 1, जनगणमन, जो हमारे दिलों में बसता है, इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ये गाया गया था पहले ही 1911 कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बाद में मैंने आपको बता देता हूं कि तत्व बोधिनी पत्रिका में ये भारत विधाता नाम से छपा था, ये उसमें पत्रिका में आया था,
लेकिन इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा अभी तक नहीं मिला था, जो दर्जा कब दिया गया, 24 जनवरी 1950, अर्थात संविधान सभा के अंतिम दिन। दूसरा हम बात करें वंदे मातरम, जो हर भारतीय की जबान पर है, वंदे मातरम जो हर भारतीय फक्र से बोलता है वंदे मातरम, ये भारत का क्या बना, राष्ट्रीय गीत। इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 को ही। और तीसरी बात हम करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एक सुलझे हुए व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा संभाली थी, संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या बनाए गए, राष्ट्रपति। अब यहां पर आपको एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि 24 जनवरी 1950 को देश के लिए कौन चुना गया, राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि आपको बताता हूं एक चीज, ये राष्ट्रपति टॉपिक की बात है कि आता है कि एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे, तो बच्चे उत्तर भरते हैं नीलम संजीव रेड्डी, बात सही है उनकी, क्योंकि वो जो प्रश्न होता है वो स्वतंत्रता के बाद की बात करता है, ठीक है, सॉरी संविधान लागू होने के बाद की बात करता है, क्योंकि हमारे प्रथम आम चुनाव 1952 में शुरू हुए थे, लेकिन ये संविधान लागू होने से पहले बने हैं। तारीख याद रखिए 24 जनवरी, और संविधान कब हुआ, 26 जनवरी को। तो 24 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू होने से पहले राष्ट्रपति चुने गए वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस समय विरोध थे ना, कि वैसे मूलतः दो जने ऐसे थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्लस नीलम संजीव रेड्डी, परंतु जो आपका परीक्षा में प्रश्न होता है वो इसलिए पूछा जाता है कि संविधान लागू होने के बाद जो सिस्टमैटिक चुनाव हुए थे, जो एक तरीके से चले थे, उसमें नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो ये तीन काम किस दिन हुए थे, 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रीय गान का दर्जा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात आती है, आपको बता देता हूं कि जैसे ही देश को राष्ट्राध्यक्ष मिल गया, वैसे ऑटोमेटिकली हमारा गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जो माउंटबेटन था वो कब आया था, फरवरी 1947 को, वाइसराय माउंटबेटन आते हैं, और ये माउंटबेटन गए कब थे, 20 जून 1948 को, और 20 जून 1948 को आ जाते हैं सी राजगोपालचारी, ठीक है, सी राजगोपालचारी आ जाते हैं 20 जून को, और ये रहे थे 26 जनवरी 1950 तक। आप ये मत समझना कि ये 24 जनवरी तक रहे थे, भले ही 24 जनवरी को राष्ट्रपति चुन लिए गए राजेंद्र प्रसाद, परंतु इनका कार्य स्टार्ट से हुआ था रिपब्लिक डे से, अर्थात 26 जनवरी से ही। तो याद रखना सी राजगोपालचारी का कार्यकाल कितना था, 26 जनवरी 1950, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर तो थे ही थे सी राजगोपालचारी। यदि प्रश्न हो अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तब आप उत्तर क्या भरेंगे, माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन, सी राजगोपालचारी। तो ये संविधान सभा के तीन वाचन थे, संविधान सभा 26 जनवरी 1950, संविधान लागू हो गया। और आपको अब एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं संविधान के बारे में, कि स्टूडेंट को ये अनुच्छेद वाला सिस्टम, क्योंकि आपकी आरबीएससी की जो किताबें हैं उनमें वो 445 अनुच्छेद लिखता है। देखो जब संविधान बना था इस समय इसमें 395 तो अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये तो बात है 1950 की, वर्तमान आपको बता देता हूं अनुच्छेद आज भी 395 ही है, अनुसूचियां जरूर 12 हो गई और भाग आज भी कितने, 22 ही हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अनुच्छेद हम बात करें एक से शुरू होते हैं और 395 पे खत्म होते हैं, तो मूलतः उसकी जो स्थिति है ना वो आज भी यही है कि 396 नंबर पर कोई अनुच्छेद नहीं है। यदि आप बीच में कोई अनुच्छेद जोड़ देते हो, 21 के बाद 21 क्या जोड़ दिया, तो वो 21 आर्टिकल का सब आर्टिकल हो गया एक तरह से। आप गणना की दृष्टि से करो तो आप तो 450 बोल सकते हो, 444, 445, जो भी आपकी आरबीएससी की किताबें वर्तमान लिख रही है कि भाई राजस्थान के परीक्षाओं में वही मान्य होगा, तो आप अगर वर्तमान शब्द लगा के पूछ ले तो आप भर सकते हो उत्तर। परंतु नॉलेज की बात यह है कि मूलतः आज भी 395 ही है, एक के बाद 395 तक अनुच्छेद है, 395 के बाद कोई अनुच्छेद नहीं है। अनुसूचियां देखो पहले 1 से 8 थी ना, टाइम पे 9वीं भी आई, 10वीं भी आई, 11वीं भी और 12वीं। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण की विधियां, जो पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, एक खतरनाक चाल थी वो। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, बहुत ही शानदार कानून बनाया था, क्योंकि दल प्रतिदल बदल की या दल परिवर्तन की समस्या आती थी, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, ग्राम शासन, और 12वीं अनुसूची
जिसे हम कहते हैं नगरीय शासन, 74वां संविधान संशोधन, दोनों संशोधन नरसिम्हा राव के समय हुए थे पास ये, तो 12 अनुसूचियां जरूर हो गई है और भाग आज भी हमारे 22 ही हैं। सेम वही बात, किताबें लिखती है 25 भाग, लेकिन आप याद रखना मूलतः जो भाग है वो 1 से लेकर 22 तक है, 23वें नंबर पर कोई भाग नहीं है, 24वें पे कोई भाग नहीं है। आप बीच में ऐड कर सकते हो, 4 क जोड़ दिया मूल कर्तव्य, फिर 4 क, 9 क, 14 क, 1 निरस्त हो गया, तो 22 और 3 कहते 25 हो गए हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि मूलतः यही स्थिति है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ था, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये बात तो हमने देख ली, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग, आपको मैंने माउंटबेटन का कार्यकाल भी बता दिया। अब संविधान सभा में एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, संविधान सभा की समितियां। देखिए समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, मूलतः तो आपको बता दूं 20 से ऊपर थी समितियां, छोटी बड़ी मिलाकर 20 से 30 तक थी समितियां, लेकिन अपने को 4 या 5 समितियां पढ़नी है जो सबसे इंपॉर्टेंट समितियां थी। देखो संविधान को जो प्रारूप, प्रथम प्रारूप मैंने आपको बताया बीएन राव जो था, बीएन राव थे जो बेनेगल नरसिम्हा राव, उन्होंने पेश कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम बात करें हम, कुछ समितियां बनाई गई थी अलग अलग काम के लिए, अर्थात हर समिति का एक अध्यक्ष, उसको जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको एक बात बोल दी गई, अगर आपको सलाह चाहिए तो संवैधानिक सलाहकार है आपके सामने बीएन राव, उनसे सलाह लीजिए, और जैसे ही आपकी रिपोर्ट पूरी होती है तो अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको आप अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको अपनी रिपोर्ट दीजिए। इसीलिए कुछ समितियां थी, आपको बता देता हूं, संघ संविधान समिति, पहली समिति कौन सी थी, संघ संविधान समिति, दूसरी संघीय समिति या संघ शक्ति समिति भी कह देते हैं इसको, इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। आप याद रखना दोनों संघ शब्द आएंगे तो आपको क्या उत्तर भरना है, जवाहरलाल नेहरू, क्यों, संघ के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों की जिम्मेवारी दी गई थी सरदार पटेल को, तो ये बात आप याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसी के साथ मौलिक अधिकारों की जिम्मेदारी भी इन्हें दी गई थी, क्योंकि मूल अधिकार, ये बात नेहरू ने कहा था भाई, अधिकार, मौलिक अधिकार सबको मिलेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव में भी बात कही गई थी, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा, ये भी बात कही गई थी, अल्पसंख्यक समिति, ये समितियों के अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको ध्यान रखना होगा तीन समितियां कौन कौन सी, प्रांतीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार समिति अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें, ये मौलिक अधिकार जो समिति थी इसकी एक उपसमिति भी थी, मौलिक अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक उपसमिति, ये दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि मौलिक अधिकार की एक उपसमिति भी थी जिसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी, आचार्य जे बी कृपलानी। और बात करते हैं अल्पसंख्यक समिति, तो इसके अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। ये छोटी समितियां थी, मेन समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार समिति उप समिति के अध्यक्ष जे पलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच सी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। कुछ स्टूडेंट इसको हरीश चंद्र मुखर्जी समझते हैं, ध्यान रखना ये नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी था, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त बात करें, एक समिति थी सर्वोच्च न्यायालय समिति, यदि हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय समिति की, तो इसके अध्यक्ष थे एस वारदा चारियार। भाई संविधान सभा के सदस्य नहीं थे फिर भी एक समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, एस वारदाचारी यार, सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करते हैं संचालन समिति, प्रक्रिया निर्माण समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक कंफ्यूजन दूर करूंगा आपकी, कि एक समिति का नाम सुना होगा झंडा समिति, स्टूडेंट्स के दिमाग में आते झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, पुरानी किताबें लिखती है जे बी कृपलानी। एक चीज तो देखी जाती है, अगर एक किताब शुरू करते हैं लिखना उसके बाद सब लग जाते हैं, वो कहते हैं ना बस दौड़ में लग जाते हैं, आज का समय के रेस का टाइम है, दौड़ का समय है। लेकिन वही बात है कि एक बड़ा ही शानदार तथ्य था कि एक जो रेस सेंटर था उसका मालिक था, उसने क्या किया, एक बार बाघ जो था, बाघ को दौड़ के अंदर लेकर आया और उसने क्या किया कि उसको शामिल करने का प्रयास किया और दौड़ उसने करवा दी, डॉग्स की दौड़ करवा दी।
तो उसने जब जैसे वो उनके जो पिंजरे थे उनको खोला गया, तो बाघ उसने दौड़ में भाग नहीं लिया, वो शामिल नहीं हुआ। वो शामिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जीत भी जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। तो हमेशा ये है कि दौड़ में भाग भी तरीके से लेना चाहिए। प्रश्न था आपका, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। हुआ क्या कि कुछ परीक्षाओं में प्रश्न आ गया, पता नहीं वो डिलीट हुआ था या नहीं हुआ, कि झंडा समिति। एक्चुअल में मूलतः संविधान में ऐसी कोई समिति नहीं थी झंडा समिति नाम से, एक समिति थी छोटी जिसका नाम था तदर्थ राष्ट्रीय झंडा समिति। तदर्थ राष्ट्रीय झंडा समिति बनी थी 23 जून 1947 को, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तदर्थ शब्द अस्थाई के लिए प्रयोग होता है। तदर्थ झंडे पर जो राष्ट्रीय तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस समिति में जो 5 से 6 सदस्य थे ना, उनमें में कहीं भी जेबी कृपलानी शामिल ही नहीं थे। यदि हम बात करते हैं वो शामिल ही नहीं थे तो फिर वो भाग कैसे लेते, ये बात अब देखने वाली है। तो अगर प्रश्न आ जाए झंडा समिति, या इसी को हम कह लें ध्वज समिति, या तदर्थ राष्ट्रीय झंडा समिति, कोई भी बात कर लें, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है, जेबी कृपलानी नहीं लिखना, जेबी कृपलानी है मौलिक अधिकार उपसमिति। अब ये जो महत्वपूर्ण समितियां, देखो संचालन समिति आ जाए तो राजेंद्र प्रसाद, यदि आ जाता है कार्य संचालन समिति तब कार्य लग गया तो के एम मुंशी याद रखेंगे आप, कार्य संचालन तो के एम मुंशी। ये सारी इंपॉर्टेंट समितियां थी, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति, जिसका जिक्र अब यहाँ पर हम करेंगे। प्रारूप समिति का ये समिति समझ लेना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप समिति की बात करते हैं, अगर हम, इसका दूसरा नाम था मसौदा समिति। क्या हुआ कि सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें दिया गया था संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, और वहां पर स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज हो गए थे कि मसौदा समिति नाम नहीं सुना। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश में प्रश्न पढ़ा, आप भी ऐसा ही करिएगा कि हमेशा प्रश्न को अंग्रेजी व हिंदी दोनों में पढ़े, ठीक है? तो अंग्रेजी में लिखा हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी, तो यहां पर जिसने अगर ड्राफ्टिंग शब्द पढ़ लिया, यहां ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन सही हो गया था। तो प्रारूप मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान सभा पांडुलेखन समिति, एक ही बात है। आपको बता देता हूं आजादी के 14 दिन बाद बनी थी, तो याद रखेंगे 29 अगस्त 1947, क्योंकि संविधान का पहला प्रारूप किसकी देखरेख में बनाया गया? बीएन राव की देखरेख में। इसीलिए याद रखना 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष, पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। और आपको बता देता हूं इसके अतिरिक्त इनके 6 सदस्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 6 के 6 याद रखने पड़ेंगे। नंबर एक बात, एन गोपाल स्वामी, यदि हम बात करें पहला सदस्य है एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा सदस्य है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा सदस्य है माधव राव, चौथा सदस्य है टीटी कृष्णमाचारी, पांचवां सदस्य है मोहम्मद सैयद सादुल्ला, और छठा सदस्य है के एम मुंशी, जो कांग्रेस ही थे इस समिति के अंदर। अब देखो इस समिति में पहली बात बता देता हूं, अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इसका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी, अन्य नाम थे मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति। इसके अतिरिक्त आपको बता देता हूँ, माधव राव जो हैं ये बीएल मित्र के स्थान पे आए थे। माधव राव किसकी जगह आए थे? बीएल मित्र के स्थान पे। टीटी कृष्णमाचारी आए थे डीपी खेतान के स्थान पे। अब ये कारण क्या थे इनके, वो जान लीजिए। बीएल मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस कारणों से माधव राव जी आ गए थे, और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी जगह टीटी कृष्णमाचारी आ गए थे। तो वर्तमान ये 6 सदस्य थे। प्रश्न आपके आ जाता है, जो अपने संविधान की मसौदा या प्रारूप समिति थे उसमें कितने सदस्य थे? आप लिखेंगे 7। यदि लिखाओ अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने थे, तो आप लिखेंगे 6 सदस्य। इस तरह प्रश्न बन के आ सकता है। देखो बहुत अच्छी बात, आपको याद करने का तरीका कि इसमें जो 5 नाम है वो 5 नाम कृष्ण जी के आते हैं। देखो गोपाल कृष्ण माधव कृष्णा, और यदि बात करें के एम मुंशी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, तो कन्हैया लाल कन्हैया नाम, ये भी नाम कृष्ण जी का। 5 नाम कृष्ण जी के आते हैं, एक मुस्लिम था, ये ध्यान रखना, इसको याद करने का तरीका है। तो संविधान सभा की सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति। अब देखो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, उसके बाद आपको पता है संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। कुछ बातें मैंने आपको बता ही दी हैं, और 1947 में भारत का पहला मंत्रिमंडल भी बना था स्वतंत्र भारत का, 2 अधिराज्य बन गए थे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गवर्नर जनरल जो थे भारत के माउंटबेटन बने,
दूसरा, यदि हम बात करें पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें भारत के अंदर प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद रहे, और स्वास्थ्य मंत्री जो है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि पहली महिला थी भारतीय कैबिनेट में शामिल होने वाली, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर आई थी। इसके अतिरिक्त विधि या कानून मंत्री की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहे थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह रहे थे, इसके अतिरिक्त भारत के श्रम मंत्री जगजीवन राम रहे थे। ये भारत का कुछ मंत्रालय था, अर्थात स्वतंत्र भारत का पहला कैबिनेट था। यदि कुछ महत्वपूर्ण बातों की अगर बात करें, हम चर्चा करें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, तो आपको बता देता हूँ भारतीय जो संविधान है इसके निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ये याद रखेंगे आप, जिन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। परंतु यदि आ जाए भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन पिछले दिनों परीक्षा में आ गया था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ नए तथ्य हैं जो आ सकते हैं परीक्षा में। अगर शब्द आ जाए हस्तलिखित, तो हस्तलिखित जो है वो है प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा। देखो रायजादा परिवार जो था कैलीग्राफी करता था, कैलीग्राफी में निपुण था, अक्षरों की अच्छी बनावट जो लेखन की होती है उसे कैलीग्राफी कहते हैं। और कैलीग्राफी में रायजादा परिवार में प्रेम बिहारी रायजादा को बुलाया गया था, इन्होंने स्वीकार भी किया था ये संविधान को लिखेंगे, जो अपने भारत के संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी व हिंदी दोनों में है, ये बात आप याद रखेंगे। और आपको बता देता हूँ इन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए, तो प्रत्येक पृष्ठ पर इनका नाम है और अंतिम पृष्ठ पर इनके दादाजी का नाम है, ये बताया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आपका प्रश्न आ जाता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कौन है एचसी मुखर्जी, संविधानिक सलाहकार कौन है बीएन राव, संविधान सभा के सचिव, ये नया शब्द आता है सचिव, सचिव आए तो एचवीआर आयंगर लिखना है आपको। और अगर आ जाता है मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन, तो आप लिखेंगे एलएन मुखर्जी। और यदि आ जाता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि वो पूछता है कि भारतीय संविधान की जो प्रतीक चिन्ह क्या था, अर्थात जो इनकी मोहर थी उस पर किसका चिन्ह था, हाथी, तो जो अखंड भारत का जो मैप है उसमें भारतीय संविधान का जो प्रतीक चिन्ह था उस पर हाथी का निशान है, ये परीक्षा में आ सकते हैं, कुछ तथ्य वाले प्रश्न है। इसके अतिरिक्त आपको बता देता हूँ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं भारतीय संविधान में महिला सदस्य कितनी थी, तो उत्तर लिखेंगे आप 15, 15 महिलाएं सदस्य थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम थी बेगम एजाज रसूल, वो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। इसके अतिरिक्त एक स्टूडेंट में बड़ी कंफ्यूजन है कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आप याद रखना, देखिए बेसिकली 12 सदस्य थे, परंतु आरबीएससी के अनुसार से आप 15 सदस्य उत्तर करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो किताबों में 15 लिखा हुआ है, तो आप अपनी परीक्षा के हिसाब से 15 मानेंगे राजस्थान बोर्ड के हिसाब से। लेकिन अगर वैसे मूलतः 12 सदस्य थे, जिसमें एक सदस्य मुकुट बिहारी भार्गव, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा से थे। यदि हम बात करें भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम साइन करने वाला कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और भारतीय सदस्य और राजस्थान से साइन करने वाले कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। तो ये कुछ तथ्य थे संविधान सभा के। इस प्रकार आपके संविधान सभा का चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको संविधान सभा चैप्टर में बहुत आवश्यक जानकारी मिली होगी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आई होगी। इस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो इंडियन लर्निंग ऐप है जहाँ पर निशुल्क टेस्ट सीरीज जो हमारी शुरू की हुई है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हम जल्दी शुरू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।